गुड मॉर्निंग। आज का वेदर बहुत अच्छा है, ऐसा वेदर 365 डेज रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सिंह जी। इधर के इधर के इधर के इधर के इधर मामा। बाबा, सुबह उठ के मेन जो चीज़ होता है कि ब्रेकफास्ट क्या बनाए, और सर्दी में क्या होता है ना कि थोड़ा सा कंबल के नीचे सोते बहुत अच्छा लगता है। सुबह बिग बास्केट आया तब मेरा नींद टूटा, ऑब्वियसली देर हो गया था। सो अभी फटाफट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आजकल हम जो ब्रेकफास्ट खाते हैं ना, ग्लोको भी सेम ब्रेकफास्ट करती है, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा काम कम हो जाता है। तो ये फार्मासिली जो है ना, आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा वाला ब्रांड का ओट्स फार्मासिली में देती हूँ। सो मैं डिज़ानो का देती हूँ, अमेजन से ऑर्डर करती हूँ, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें ना कोई मैदा नहीं रहता है, मैं ग्लोको को मैदा नहीं देती हूँ, आटा सेमोलिना का रहता है ये। और ये ना नूडल्स से काफ़ी ज़्यादा 2 मिनट में बॉयल हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर मैं जनरली आलू, परवल, कैरेट, थोड़ा सा ग्रीन पीस, अनियन, ये सब डालती हूँ। ग्लोको भी खाएगी फार्मासिली, है ना शिंजी? शिंजी को ये बहुत पसंद है। खाओ खाओ खाओ। अच्छा, उठाई नीचे खाओ। ये शिंजी खुद भी अकेले अकेले खा लेती है। उसको अपने हाथों से ही खाना है, वो किसी को खिलाने से उसको अच्छा नहीं लगता है। ग्लोको जा, ये अब तो बड़ी सामान के गो बैक। ग्लोको आया है तेरा मम्मा को हेल्प करने के लिए। ये बाबू करते के एकी एक हमें और की भांगा दे हुए ले सिर्फ भांगा फ्रिज। ग्लोको अभी क्या जाओ हमारे भांगा फ्रिज। ग्लोको जाओ, तुम चले जाओ अभी के খুলে দিল ভেঙে দিল খুলে দিল দেখছো এটা কবে না সবে না দুটো বড় जीरा, धनिया, गरम मसाला सब ना हम घर पे मतलब बनाते हैं। देखो बहुत अच्छे से बन जाता है। जस्ट जीरा को रोस्ट किया और अगारो की जो मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर है उसके अंदर डाल दिया, बस बन गया। मेरे पास पहले वाला जो मिक्सर था ना, उसमें ना क्या होता था, थोड़ा क्वांटिटी में जब हम मसाला पीसते हैं ना, जैसे सूखा मसाला, तो वो ग्राइंड नहीं होता था अच्छे से। पर अगारो की जो मेरे पास ये नया वाला मिक्सर मैंने लिया है ना, इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। कोई काम नहीं है बाप बेटी को, रील्स देख रहे हैं सुबह से। जीरा पाउडर बन गया है, अभी गरम मसाला बनाएंगे। मेरे जैसा किस किस का पीरियड पेनफुल है, डिलीवरी के बाद पीरियड पेन थोड़ा सा मेरा कम हुआ है, पर स्टिल इट्स देयर। सो मैं हॉट बैग यूज़ करती हूँ। पहले तो वो पानी, गरम पानी डालती थी और हाथ जल जाता था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। उसके बाद जो मैं हॉट बैग यूज़ करती थी वो इलेक्ट्रिक में चार्ज होता था, पर 2-3 मंथ बैक मैं बोल रही हूँ, वो बैग ना मेरा पूरा एकदम अचानक से एक एक्सीडेंट होने वाला था, फट गया था। तो उसके बाद से मैं यूज़ कर रही हूँ एवरइव का मेंस्ट्रुअल हीटिंग बेल्ट। एवरइव का ये मेंस्ट्रुअल हीटिंग बेल्ट आता है रिचार्जेबल बैटरी के साथ। ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। एक बार फुल चार्ज होने पे 5 आवर्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आता है 3 मसाज मोड एंड 3 हीटिंग लेवल के साथ। ऑन करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है आपको, और सिंगल प्रेस करके मसाज की 3 मोड में से एज माई रिक्वायरमेंट एक मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, एंड ऑल्सो सेम फॉर द हीटिंग लेवल्स। जितना पैन है उसके हिसाब से मैं हीट को कम या ज़्यादा करती हूँ। बेस्ट पार्ट इज़ एट द सेम टाइम वाइब्रेशन मैसेज मोड एंड हीटिंग मोड को आप एक साथ ऑन कर सकते हैं, जो पीरियड के पेन एंड डिस्कम्फर्ट के लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन एंड स्लाइटली कर्व होने के वजह से एब्डोमेन में ये आराम से अच्छे से सेट हो जाता है। नीचे कुशनिंग भी है, सॉफ्ट फैब्रिक है, सो आप अपने टॉप के नीचे एकदम स्किन के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लगा के टॉप के ऊपर भी पहन सकते हैं। इसका बेल्ट एडजस्टेबल, सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल है। बेल्ट की बकल की हेल्प से आप इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करके बेल्ट को निकाल भी सकते हैं, मतलब आराम से इसको लगा भी सकते हैं
और आराम से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे तो एब्डोमेन के साथ साथ बैक में भी पेन होता है पीरियड्स में। इस बेल्ट की डिज़ाइन इतनी अच्छी है कि मैं इसको तो आराम से अकेला ही बैक पे भी लगा लेती हूँ और मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है। लास्टली मुझे लगता है कोई फायर सोर्स के पास आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और जैसे हम हॉट बैग लेके सो नहीं जाते थे क्योंकि ज़्यादा टाइम आप हीट अपने बॉडी के एक एरिया पे नहीं लगा सकते हैं, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। और अगर आपके स्किन पे कहीं पे घाव है, हार्ट का इश्यूज़ है, आप प्रेग्नेंट हो या आपको सर्विकल ट्यूमर है तो भी आप इसको यूज़ ना ही करें तो ही बेटर है। बाकी इस बेल्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। बना रही है आज साग। मैं ना इतना साग पहले नहीं खाती थी, मम्मी आने के बाद से साग खाना स्टार्ट हुआ है। ये क्या सा साग है? डाटा है। बॉम्बे डक जो अभी भी बर्फ में है, हम थोड़ा सा आलू डालते हैं बॉम्बे डक में, हमें अच्छा लगता है। अनियन भी डालते हैं। निर्माण बुला रहा है, एक बार मम्मी बुलाए, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरा ना बहुत सारा काम है, जैसे कपड़े फोल्ड करना, कुछ शॉर्ट्स बनाया था उसको अपलोड करना है, एडिट करना है, नॉर्मल वीडियोज तो है ही, उसके साथ साथ शॉर्ट्स रील्स ये भी बनाती हूँ ना, तो इसका उसके पीछे भी अलग से टाइम जाता है। फिर घर पे ही रह के अगर आप काम करोगे ना तो वो काम में ना आप कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते हो, क्योंकि घर का काम जो होता है ना वो नेवर एंडिंग होता है, कुछ ना कुछ काम आपको रह ही जाता है। आज ये जितना भी कपड़ा देख रहे हो ये सारा ग्लोकाई के है, सबके सब ग्लोकाई के है, इतना कपड़ा इतना तो मेरा भी नहीं है। नहीं इनका हो सकता है, मेरा तो 100% नहीं है। जितना भी कपड़ा है इसमें से आधा कपड़ा मनुष्य ने फोल्ड किया है और उसके 25% लगाही ने अनफोल्ड कर दिया है। हो गया है, अभी 4 बज रहा है, मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ। 5 बजे सुमन और रूपा आएगा, क्योंकि हम लोग ना उनको थोड़ा सा इधर पे आसपास पे जो फर्नीचर मार्केट है वो दिखाने के लिए लेके जाएंगे। और कल मैंने बोला था उनको लुलू मॉल पे सॉरी आईकेए भी जाने के लिए, तो वो लोग एक्चुअली फर्नीचर लेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग सजेशन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका हेल्प करेंगे। उसके बाद निर्वाण का अगर ऑफिस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग के लिए लुलू मॉल जाएंगे, ठीक है? आप लोग देखना, बहुत अच्छा लगेगा। 5 बज रहा है तो वो लोग आएंगे कभी भी, तो मैं ना मतलब डिनर हमारे डिनर के लिए भी और उनको भी मैं थोड़ा सा दे सकती हूँ। सो चना को भिगो के रखा था, चना मसाला बना दी। अनिर्बान का ऑफिस खत्म, हम लोग निकल पड़े हैं। पहले हम जाएंगे क्या कहा जा रहे हैं हम लोग फर्नीचर शॉप पे, जहाँ से हमने हमारे पहले पुराने बेड लिया था, उसके बाद हम लोग जाएंगे लुलू। अरे ये दुकान का नाम बी मार्ट हो गया है, डी मार्ट का डुप्लीकेट बी मार्ट, लिखा भी ऐसे ही है डी मार्ट जैसे लिखा है। देखो उठ गया क्या वो दुकान? हाँ उठ गया। कहाँ पे है अभी उसको नहीं मालूम। आगे हम लुलू मॉल, लुलू मॉल जो है ना, लुलू एक्चुअली हाइपर मार्केट है और ये सबसे बड़ा हाइपर मार्केट है हैदराबाद का, बाकी इंडिया में भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो हम चल पड़े ट्रॉली लेके और पहले अटैक किया प्लम केक पे, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है यू नो। और मैं देखो कितना सीरियस हो गई थी, क्योंकि ना मुझे फटाफट निकलना था, अनिर्बान का ऑफिस ख़त्म होने के बाद अगर कहीं पे जाते हैं ना तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर पे आके लोगों को गरम गरम डिनर भी खिलाना होता है ना। तो इधर पे ना बहुत सारा सब्जी का ऑप्शन है, बहुत सारा फ्रूट्स का ऑप्शन है, खजूर तो अपन मान लो 10 टाइप ऑफ
ऑफ आपको मिल जाएगा। देखो बेंगन कितने टाइप ऑफ था, पर अनिर्वाण जो है ना वो इधर रहता ही नहीं है, वो चला जाता है चाट सेक्शन में, जैम सेक्शन में, जैम वैम लेने के लिए हमेशा रेडी। ले लिया था कुछ जैम, मैं घर आकर आपको दिखाऊंगी। तो शुवान को मैं बता रही थी कि इधर पे ना बिरयानी भी मिलता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर तुम ट्राई कर सकते हो क्योंकि उन लोगों को तो अभी ख़रीद के खाना पड़ता है ना, होटल में रहते हैं। तो इधर से मैं बोल रही थी कि ले लो फिर रात का डिनर। और इधर पे मुझे दिखा अचार, ओ माय गॉड। आपको पता है मैं राइस रोटी विदाउट सब्जी दाल खा सकती हूँ ओनली अचार के साथ, और मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 365 डेज ऐसे खा सकती हूँ, मुझे अचार इतना पसंद है। इधर पे ना चिकन पिकल, फिश पिकल ये सब भी मिलता है, प्रॉन पिकल, अगर कभी ट्राई नहीं किया है तो कर सकते हो, मैंने नहीं किया है ओके सो इधर पे ना देखो रोटी बन के ऐसे फुला फुला रोटी गिरता है ऐसे ऐसे ऊपर से। इधर पे ये है बकलावा, सो मैंने रोटी भी ले लिया था। और इधर पे और भी बहुत सारा खाने का ऑप्शन है, पर प्रॉब्लम इज़ दैट इधर पे आप खाना जो है ना आपको बाहर बिलिंग कराने के बाद ही खा पाते हो, तो इधर बैठ के खाने का कोई ऑप्शंस भी नहीं है, तो इसीलिए भूख भी लग जाता है, इतना बड़ा जगह है, इन लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो चाट सेक्शन, किचन, इधर से हम बाहर निकल के आए, फिर से ग्लोकू को पसंद आ गया केक, और ग्लोकू फुल ऑन मस्ती कर रही थी और केक उठाने की कोशिश कर रही थी लिटरली। और देखो कितना छोटा छोटा सुंदर सुंदर सांता क्लॉस केक था, और ये सब भी बहुत सारे केक का ऑप्शंस इधर पे था। एक्चुअली खाने का ना बहुत ऑप्शंस है इधर पे, ब्रेड वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। ये चिकन फिश का सेक्शन है, अनिर्वाण तो आ ही नहीं रहा था इस जगह से, ये ले लो वो ले लो ऐसा कर रहा था, वो समझता नहीं है कि फ्रिज में, इतना बड़ा फ्रिज नहीं है हमारा, ऊपर से ग्लोकू ने कंपार्टमेंट तोड़ भी दिया। और मुझे आशीर्वाद आटा दिखा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ आशीर्वाद आटा, पर वही खाते हैं तो दिख गया तो ले लिया। फिर ऊपर आए, ऊपर जितना हम नीचे घूमे उससे भी डबल शायद या ऐसा ही सेम था ऊपर, ग्रॉसरी सेक्शन जहाँ पे बहुत सारा नट्स, चॉकलेट्स, ग्रॉसा की दाल वगैरह, राइस ये सब रहता है। तो इधर से भी कुछ चीज़ें लेना था, पर अनिर्वाण ना इधर उधर कर रहा था। एक्चुअली उसका भी बहुत ब्रेन वर्क रहता है ना आईटी में, हमेशा कोडिंग वगैरह, इट्स नॉट ईजी, तो थोड़ा सा ऑफिस के बाद ना रिलैक्स करना उसको भी चाहिए होता है, तो मैं उसको फुल सपोर्ट करती हूँ, तो इधर उधर जाता है, मैं कंपनी देती हूँ। सो हमने ख़रीदा था ये तंदूरी मोमो, ये अच्छा ही था, आप ट्राई कर सकते हो। और शुमन और रूपा ने कुछ लिया था चिकन विंग्स, और हमने और भी एक लिया था कुछ, ये था शायद चिकन ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक अच्छा था, विंग्स जो है ना वो ज़्यादा ही लाइट था, पर इतना बड़ा साइज़ का आपको तो पता ही है विंग्स जैसा होता है नॉर्मली, विदाउट प्लेट खाना, मैं देखो पूरा जंगली लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि टूट पड़ी हूँ खाने के ऊपर। हाँ भूख भी लगता है, मैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ ना तो भूख तो ज़्यादा ही लगता है, पर क्या ही करे, सारे शर्म तोड़ के मैं ऐसे ही कर रही थी। फिर शुमन और रूपा को छोड़ने आई, टाटा बोलने आई, अनिर्वाण उनके रूम में गया था वॉशरूम करने, उसके बाद आ गई घर। उसको कोई भी चेंजेस पसंद नहीं है, जो जैसा है ऐसा ही रहेगा। ब्लॉकों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कोई मतलब है ही कुछ भी नहीं है, उसको ये पकड़ के खड़ा होना। आते ही ब्लॉकू ने खाना खाया, लेट हो गया, एक्चुअली अनिल का ऑफिस खत्म होगा फिर जाएंगे ना, सो ये कुलचा लेके आए थे, तो अभी रात को हम एक एक कुलचा। होटल में गए थे ना शुमन और रूपा ने, थोड़ा सा केक दिया था, उसके दीदी ने बनाया है, अच्छा बनाया, और एक ब्लॉकू का थोड़ा सा खींची क्योंकि ब्लॉकू मुझे खाने नहीं देगी फिर, और मैं ये खा के देखती हूँ, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही मतलब कम प्राइस में होता है।
अच्छा कि मैंने आज ये बनाया चना, अच्छा है। तो चलो गाइज इस ब्लॉग के अंदर एंड करते हैं, अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करना, हम फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।